हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ वर्लपूल कंपनी के 245 लीटर टू स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। इस फ्रिज का कलर है सफायर मैग्नोलिया और देखने में ये अट्रैक्टिव कलर एंड पैटर्न का रेफ्रिजरेटर दिख रहा है। इस फ्रिज के कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस फ्रिज के बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्रिज की डिटेल्स को। 230 वोल्ट्स इज रिक्वायर्ड टू रन दिस फ्रिज। और ये फ्रिज 135 वाट्स एंड 180 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। एंड इस फ्रिज की MRP है 24,950 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस फ्रिज की स्टार रेटिंग है 2 स्टार एंड ये 1 ईयर में अप्रॉक्स 306 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। और साथ में देखी जा सकती है कुछ अदर डिटेल्स। इस फ्रिज पे हमें मिलती है 1 ईयर की वारंटी और इसके कंप्रेसर पे मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। इस रेफ्रिजरेटर में प्रोवाइड किया गया 6th Sense डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस फ्रिज के हैंडल को। और इस हैंडल को पकड़ के आप इस डोर को कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और डोर के साइड में प्रोवाइड किया गया इस फ्रिज का लॉक। आइए अब इस फ्रिज के सारी साइड्स को क्लोजली देख लेते हैं। इसका कलर है सफायर मैग्नोलिया और ये देखने में अट्रैक्टिव कलर का रेफ्रिजरेटर दिख रहा है। फ्रेंड्स, आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके इनसाइड व्यू को। ये इस फ्रिज को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इंप्रेशन। और यह इस फ्रिज की पहली डोर जिसे फ्रीजर डोर कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पल स्पेस दिख रहा है इस फ्रीजर सेक्शन में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइस ट्रे। और इस आइस ट्रे में हम लोग वाटर फिल करते हैं और जब आइस कलेक्ट करनी होती है तो हमें लीवर को रोटेट करना होता है कुछ इस तरह से। और जब आप लीवर रोटेट करते हैं तो सारी आइस नीचे वाले ट्रे में स्टोर हो जाती है और उसे हमें उस ट्रे से कलेक्ट करना होता है। और साथ में हमें मिलती है एक आइसक्रीम ट्रे जिसके ऊपर आप आइसक्रीम की ब्रिक रख सकते हैं।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फ्रीजर के टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब को, जिसकी मदद से टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। 3 सेटिंग्स दी गई है, और मैक्स फ्रीजिंग देख सकते हैं, मिनिमम फ्रीजिंग देख सकते हैं, एंड एक नॉर्मल फ्रीजिंग है जो कि रिकमेंडेड है। और फ्रेंड्स, ये है इस फ्रीजर की डोर साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रैक प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप फ्रोजन फूड को आसानी से रख सकते हैं। इसे निकाला भी जा सकता है कुछ इस तरह से, और फिर क्लीन करके आप इसे वापस सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है इस फ्रिज के अंदर का व्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिखता है चिलर ट्रे, जिसे डेरी फ्रेश नाम दिया गया है। इसे पकड़ने के लिए ग्रिप दी गई है, आइए मैं इसे क्लोजली दिखा दूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 शेल्फ प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह से इसे पुल करके बाहर निकाला जा सकता है। और ये टफन ग्लास की बनी हुई शेल्फ है, और शेल्फ को सेट करने के लिए मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस शेल्फ को किसी भी स्लॉट में सेट कर सकते हैं। और सबसे नीचे प्रोवाइड किया गया है वेजिटेबल बॉक्स, और उसके ऊपर एक कवर प्रोवाइड की गई है, और हेक्सा पैटर्न की कवर है, जिससे मॉइस्चर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। और एक मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए स्विच भी दिया गया है, कुछ इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इस फ्रिज का वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, एक अच्छी क्वालिटी की बॉक्स दिख रही है, और यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रे भी देख रहे हैं, और इस पे आप कुछ पैटर्न भी देख सकते हैं, माइक्रो ब्लॉक नाम दिया गया है, और पकड़ने के लिए ग्रिप भी दी गई है। और यह है इस फ्रिज की डोर साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रैक प्रोवाइड किए गए हैं। एक फर्स्ट रैक जो है वो इजी रैक है, और सेकंड रैक बॉटल रैक है, एक बीच में सेपरेटर भी दिया गया है, बड़ी बॉटल्स को आसानी से इस रैक में रखा जा सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बॉटल रैक और मिलता है हमें, जिसमें आप छोटी बॉटल्स को आसानी से रख सकते हैं। और फ्रिज के अंदर भी आप एक टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब देख सकते हैं, जिसे कूलिंग कंट्रोल नाम दिया गया है। कुछ इस तरह से इसे मूव किया जा सकता है, और फ्रिज के टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। और फ्रिज के दोनों साइड में आप अंदर से देख सकते हैं फ्रेश फ्लो की एक स्विच दी गई है। और फ्रिज के साथ कुछ एसेसरीज प्रोवाइड की गई है, और सबसे पहले हमें मिलता है एग एंड लेमन ट्रे। और यह इस फ्रिज का लॉक की, जिसकी मदद से इस फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। मैं वीडियो के आगे बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। और यह इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की सारी डिटेल्स को जानने में, और इसे कैसे ऑपरेट करना है वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। और वारंटी पेपर पे आप जिस भी डीलर से इसे परचेज़ करें, वहाँ की डिटेल्स ज़रूर फिल करवा लें। ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर साइड पे लॉक प्रोवाइड की गई है। जब आप लॉक की का यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से लीवर बाहर हो जाती है और दोनों डोर को लॉक कर देती है। आइए मैं बताऊँ कि कैसे दोनों डोर लॉक हो जाती है। कुछ इस तरह से आपको इसे रोटेट करना पड़ेगा और देख सकते हैं ये डोर लॉक हो चुकी है। और इसे ओपन करने के लिए आप कुछ इस तरह से इसे मूव कर दें। फ्रेंड्स, ये थी वर्लपूल कंपनी के 245 लीटर्स 2-स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल्स। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए फ्रिज के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।